एक मिनट, मैंने रेडियो छोड़ा है, जीना नहीं, मेरी जान में कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि तुमसे बात किए बिना यहाँ पे चैना नहीं। शुक्रिया शुक्रिया। इंट्रो म्यूजिक प्लीज। वेल हेलो देयर, हाय, माय नेम इज आरजे वशिष्ठ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप कहेंगे कि हे, जॉब तो छोड़ दी, अब काहे का आरजे। देखो, आरजे मैं पहले था, पर उससे पहले भी आरजे ही था, यानी कि रमता जोगी, जो आज भी हूं और हमेशा रहूंगा। यानी कि इस चैनल का नाम भी आरजे वशिष्ठ ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। मेरे इस वाले वीडियो पे बहुत सारे लोगों की कमेंट आए कि हे, वी आर गोइंग टू मिस यू, एंड दैट वाज रियली स्वीट। पर उसके बाद मैंने कुछ कुछ अकाउंट्स चेक किए तो पता चला कि यार, ये लोग तो अहमदाबाद से भी नहीं है, गुजरात से भी नहीं है, तो काहे का मिस यू, कब रेडियो पे सुना। देखो, मैं कहीं नहीं जा रहा, उल्टा अब तो यहीं का होने वाला हूँ, ज्यादा वक्त लेने और देने वाला हूँ, क्योंकि एक नए फ्री फॉल की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, फ्री फॉल। अब देखो, जब मैंने रेडियो छोड़ा ना, यानी कि जो लास्ट शो मैंने किया ना, उसमें मैंने बहुत सारी बातें कही थी कि किन किन चीज़ों के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, कौन सी लर्निंग्स के लिए आई एम स्टिल ग्रेटफुल। उनमें से एक थी फ्री फॉल थियोरी, जिसको सिखाई थी विशाल सेठिया ने। सो डियर वड़ा पाव विशाल, थैंक यू सो मच फॉर दिस फ्री फॉल थियोरी। अब ये फ्री फॉल थियोरी क्या है? इट्स लाइक आप एक सर्कल में खड़े हो। अब उस सर्कल में आपके सबसे पसंदीदा 5-7 लोग हैं। चलो इमेजिन करो, आपकी जिंदगी के हैशटैग प्यार लोग किए। अब ये सोचो कि आपको वो घिर के खड़े हैं, आपके सामने मुस्कुरा रहे हैं। आपने एक छोटा सा सर्कल लिया एक ही जगह पे, उनको देखा और फिर आंखें बंद कर दी कि अब आपको किसी भी दिशा में यूं गिरना है। आपको आंखें नहीं खोलनी है, नीज बैंड नहीं करनी है, कोई ना कोई तो होगा आपका हैशटैग प्यार वाला इंसान जो आपको उस दिशा में, इस दिशा में या कहीं पे भी पकड़ ही लेगा। इस थियरी को कहते हैं फ्री फॉल। अब इसका फायदा क्या? आप खुल जाते हो, आप फ्री हो जाते हो, यू बिकम फियरलेस। आई नो फियरलेस बनने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, फिर ये क्यों रिस्की है? पूरी बात तो सुन लो, जब आप आंखें बंद करके किसी भी दिशा में गिरते हो ना, तो देयर इज अ फियर कि यार कहीं गिर विर गए तो चोट लग जाएगी, पैसा क्या वशिष्ठ देगा। पर उसके बाद जब आप कैच हो जाते हो ना, कोई आपको पकड़ लेता है, तो फियर निकल जाता है, यू बिकम अ फ्री बर्ड। ये सब ना आपको डबल माइंडेड होने से दूर रखता है, यार ये करूंगा तो वो होगा, ये होगा, ये सारे डरों से दूर भगाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुद से मिलाता है। आई नो आप कहेंगे कि यार, अगर किसी ने कैच नहीं किया तो, या फिर अगर कैच किया पर गिर गए तो, वेल यू विल हैव टू टेक अ चांस, जो मैंने भी लिया है। दिस न्यू स्टेप, अपनी वेल सेटल्ड और बेस्ट एंड बेस्ट रेडियो कंपनी वाली जो जॉब है, उसको छोड़ना और नए सिरे से शुरुआत करना, ये चांस ही तो है। कैलकुलेटेड रिस्क है, पर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसा डर तो है कि यार चोट तो लगेगी, कुछ तो फेल होगा, मन की चोट लगने के चांसेस ज़्यादा है। मतलब 7 साल एक जगह पे काम किया है, आप जैसे ही एंटर होते हो तो आपको आपकी वाइब वाले लोग मिलते हैं, मंथ के एंड में फिक्स सैलरी मिलती है, और फिर एक एटमॉस्फेयर मिलता है वेर यू आर सेफ। ये सारी चीज़ें हटके जब आपको फिर से नई शुरुआत करनी होती है खुद के लिए, तो डर तो रहता है ना, जो है। सो हाँ, गिरने के चांसेस है, चोट लगने के चांसेस है, फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कर ले यार, यू विल हैव टू टेक दिस रिस्क, क्योंकि मैं खुद में मानता हूँ यार, खुद को पहचानता हूँ, बस थोड़े से पुश की ज़रूरत है, और वो भी बातों के नहीं, खुद की मुलाकातों के पुश की ज़रूरत है। तो बस अंदर से एक ही आवाज़ आती है कि कर लेना, हो जाएगा। एंड समवेयर आई ऑल्सो नो कि ये करने के बाद भी गिरना होगा, चोट लगनी होगी, पर मुझे ये भी पता है कि उसके बाद मुझे संभालने वाले लोग हैं, मुझे पकड़ने वाले लोग हैं और ठीक करने वाले लोग हैं। फ्री फॉल वाले उनमें से एक है मेरा वी फैम, यानी कि तुम मुझे संभाल लोगे, मुझे पता है। नहीं, मक्खन नहीं मार रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। अगर आप ना होते ना, तो ये रिस्क मैं लेता ही नहीं, ये बड़ा सा पंछी उस आसमान के लिए बाहर निकलता ही नहीं। तो अब तक साथ निभाने के लिए शुक्रिया। आगे का सफर गजब होगा, वो बात पक्की है, बस आपको वही साथ निभाना है जो अब तक आपने निभाया है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए मेरी जान, इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, यहां इसी यूट्यूब चैनल पे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना, बाय बाय।